यहाँ से बगीचे दिखाता हूँ मैं आपको अपने, ये देखिए ये देखिए। टोटली अनबिलीवेबल वेदर होता है आजकल, काफ़ी दिनों से हेक्टिक हो गया, अंदर रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। कालू देखिए आप कितनी शानदार तरीके से बैठा हुआ, ले कालू कुत्ते से ज्यादा वफादार होते हैं, अरे छुपा के ले आए, इंसान से वफादार होते हैं। हमारे माता श्री और पिता श्री जाए वृंदावन, बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। अभी सुबह के 9:30 हो चुके हैं और मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है मेरे को अर्की, तो इसलिए मैं अर्की जा रहा हूँ। और अभी मम्मी पापा वगैरह जा चुके हैं, उनको जो है वृंदावन वगैरह जाना था, उनकी बुकिंग थी तो वहाँ जा रहे हैं। बाकी आप यहाँ देखिए एक बार, निशान देखिए अब एक बार मेरे, उससे लगा था पोल से लगने के बाद कितना बड़ा निशान पड़ गया यहाँ पे, तो ये हुआ था पोल से लगने के बाद। आजकल जो है काफ़ी गर्मी है दिन को वैसे, और सुबह शाम काफ़ी ठंडी है, तो अभी मेरे को काम वगैरह था तो बोले उसको कर लेते फिनिश, फिर आके ही रेस्ट करते हैं। वैसे कल धामी का मेला था, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो अभी एडिट करने को मेरे को टाइम नहीं लगा हुआ, तो उसको भी करेंगे एक दो दिन में एडिट। मौसम देखिए भाई, आज कितना साफ मौसम है, क्या मस्त दूर दूर तक दिखाई देता है इस मौसम से। अभी मैं आ चुका हूँ काम वगैरह करके, जो मेरा काम था वो मैं फिनिश कर लिया हुआ है, तो अभी जा रहा हूँ मैं घर। अभी मेरे को थोड़ी देर बाद 3-4 बजे और जाना है एक जगह, तो वही मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि काफ़ी देर होगी, और अभी जो बहुत गर्मी लग रही है स्वेटर से ना मेरे को बहुत ज़्यादा, इसलिए स्वेटर वगैरह तो घर पहुँच गया मैं। अब पीछे का वेदर देखिए एक बार, कितना अच्छा मौसम है वहाँ, यहाँ का क्या एकदम सुंदर मौसम है, बिल्कुल मस्त वेदर है यहाँ का, मतलब टोटली अनबिलीवेबल वेदर होता है आजकल। सर्दियों में थोड़ा सा मस्त मौसम होता है यहाँ, धुंध वगैरह इतनी पड़ती नहीं, गर्मी जैसे बारिश हो रही है अभी तभी तो गर्मी हो रही है, दिन को काफ़ी गर्मी है, रात और सुबह को तो बहुत ठंड है, तो ऐसा भी चक्कर है। अब चलते हैं सीधा नीचे और करते हैं, मेरे से अभी प्लांटेशन में पानी देना है क्योंकि काफ़ी उनकी भी गर्मी हो रही, तो पानी देना पड़ेगा अभी जाके मुझे, वही काम करना है पहले मैं सीधा, इसलिए तो जल्दी आ गया था मैं अपना काम करके, ताकि जो है उसको पानी देना मैंने जाके, फिर मेरे को 3 बजे फिर जाना है 3-4 बजे, तो अभी देखते हैं, अभी जाते हैं सीधा काम करते हैं। यहाँ से बगीचे दिखाता हूँ मैं आपको अपने घर के, ये देखिए यह बगीचे अंतिम खेतों में लगा हुआ, तो यहाँ से दिख रहा अभी ऐसा कुछ। अभी मैं पहुँचूँगा अपने कीवी प्लांटेशन में और मैं दे रहा हूँ भी पानी वगैरह, क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आजकल, जैसे गर्मी हो रही दिन को ना, तो ज़्यादा गर्म की वजह से जो है इनको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। पर वाले प्लॉट में ज़्यादा है, मैं आपको दिखाऊँगा अगर अभी यहाँ पे फिनिश हो गया तो ठीक, नहीं तो अभी मैंने जाना है कहीं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। एक मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था पवन चंदेल जिनके बगीचे में मैं गया था एक बारी, तो वहाँ जाना मैंने, मार्किंग वगैरह करनी है, तो अभी जाना मैंने वहीं पे, 4 के बजे जाऊँगा मैं, तो अगर फिनिश हो गया यहाँ का तो आपको वहाँ दिखा दूँगा, अगर ये नहीं हुआ तो शायद कल दिखाऊँगा मैं आपको, जब मैं उसको पानी वगैरह दूँगा या लेट नाइट को दिखाऊँगा। पानी तो मैंने आज ही देना है उसको, चाहे अभी देना चाहे लेट नाइट को देना, फिर पानी आज ही देख के फिनिश करना है मैंने उसको। ये देखिए कुछ इस तरह का माहौल है बाहर, दिन के 3 बज चुके हैं और काफ़ी अच्छा धूप खिली हुई बाहर। ये देखिए पत्ते जो है मुरझा जाना स्टार्ट हो चुके हैं इस पे, इस प्लांट के देखिए आप, ये देखिए इनके पत्ते जो है मुरझाना स्टार्ट हो चुके हैं थोड़े थोड़े, इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि पानी नहीं हो रहा, तो यहाँ पर देखिए मैं कंटिन्यू पानी की सप्लाई खोली हुई है, ताकि जो है पानी कंटिन्यू दे के, वैसे देना तो मैंने कल था, लेकिन कल क्या था एक्चुअली मैं घर में था, कल था मेला था, काफ़ी दिनों से हेक्टिक हो गया, अंदर रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। कल भी सुबह मैं उठ गया था 7-6 बजे,
तो 6 बजे से एडिटिंग लगा था करने, 5-6 घंटे लगे एडिटिंग करने के लिए। तो मतलब ऐसे ही चला हो काम, भाग दौड़ वाली लाइफ चली हुई है। तो अभी जाना था मैंने, पर क्या करना, जो बिल्डर है अपने भाई सोनू भैया जी, वो अभी पता नहीं कहाँ है, जिसकी वजह से जो मुझे लेट हो रही है, धूप जो है जाना स्टार्ट हो जाए तो उसको ठंडा हो जाती है, मतलब बाइक वाइक पर ठंड लगती है मतलब आपको। तो मैं सोच रहा था अगर जल्दी हो जाती फ्री तो जाना था, लेकिन वहाँ पे तो फ्री हो नहीं रहे, तो अभी क्या ही करूँ मैं। अब तो मेरे को उनको ही लेके जाना पड़ेगा, कल भी मेरे को काम है कुछ तो वहाँ जाना है मेरे को। ऐसे लफड़े में फंसे हुए कि मतलब ना इधर के जा सकते ना उधर जा सकते, किसी को सुना भी नहीं सकते अपने बारे में कि क्या मतलब फंसा हुआ है इंसान, और मतलब समझा भी नहीं सकते। अगर आप समझाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे, अगर आप नहीं समझाएंगे तब भी गलत है। अभी मैं पहुंच चुका हूं वहां पे, तो अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं बगीचा कैसा बनाया है और किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन वगैरह की है। ये है एप्पल का बगीचा, देखिए इनका आप एक बारी, किस दिन आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे इसको, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं इतना। अभी ऊपर काम थोड़ा सा निपाई कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम बच गया तो आपको दिखा देंगे अभी बगीचा। अच्छा तो काम हुआ ना स्टार्ट? अभी काम नहीं हुआ स्टार्ट, बस अब होना है, बस 2-4 दिन में। अच्छा अच्छा 2-4 दिन में। अच्छा अच्छा ये देखिए ये इनका बगीचा वगैरह, ये इनका बगीचा, पानी की जरूरत है इनको, पानी दे उनको, पानी इनको जरूरत। देखो तो ये देखो यहाँ पे ये सूख गए, नहीं पानी, ये पानी, ये देखो नहीं पत्ते झड़ेगा, नहीं झड़ेगा ना, हरा रहता पता, देखो आप पता हरा रहता पता, पत्ता हरा रहता है, और जो झड़ेगा ना वो क्या होगा, आग लगेगी उसमें। कालू देखिए आप कितनी शानदार तरीके से बैठा हुआ, ले कालू कालू, कुत्ते से ज्यादा वफादार होते हैं, इंसान से वफादार होते हैं ये अंकल जी। हमारे अंकल जी दिखाएंगे आप अपनी शक्ल, पीछे देखेंगे एक बार आप, ये हमारे अंकल जी ने बगीचा तैयार किया हुआ है, देख लीजिए मतलब कितनी मेहनत की इन्होंने, बस पानी की थोड़ी सी कमी इसमें, बाकी अंकल साहब ठीक है, पानी की कमी बस इसमें आपने। अरे पानी ये सारे कर दिया, आज को तो डैम पड़ जाना था, समझे, पानी की थोड़ी सी इसमें कमी है, बाकी सब ठीक। देखिए अंकल जी ने कितना पानी लाया हो यहाँ पे, पर पानी दिया नहीं, रखा तो यहीं पे है, दिया नहीं पानी अंकल जी ने, टाइम लग रहा है अंकल जी को पानी देने का। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो है कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी इनका बगीचा है वो मैं किसी दिन बताऊंगा आपको, अभी तो मेरे को टाइम नहीं लग रहा, अंधेरा हो गया हुआ है, तो अगर टाइम लगा तो मैं बता दूंगा आपको किसी दिन, अभी तो गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि अभी मेरे पास और भी बहुत सारे पंगे काम करने को।